सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। ऑर्टनिल 0.5 mg टेबलेट जिसको बनाया गया इनका लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इसके अंदर दवाई की बात करें, कंटेंट की बात करें तो अल्सिन 0.5 mg रहता है और ये 10 टेबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 34.94 रुपीज रहता है, मतलब 35 के करीब रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, ज़्यादा खाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कब तक इसको खाया जाता है और इसका अंदर जो ड्रग है वो कैसे काम करेगा, छोटी एडवाइस क्या रखने का और इसका डोज मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे कैसे लेने का, तो ये सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि गॉटनिल 0.5 mg टेबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ऑर्टनिल 0.5 mg टेबलेट जिसको बनाया गया है इंगा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, कोल्चिन 0.5 mg रहता है और इसका 10 टेबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 34.94 रुपीज रहता है। तो ये टेबलेट जो कि यूज होती है और ट्रीटमेंट करती है और प्रिवेंट करती है गोट को, और ये रिड्यूस करती है जो इंफ्लामेशन होता है, जो दर्द होता है, जो सूजन आती है, जो गोट होता है सिम्टम को, तो उसको कम करती है। तो गॉटनिल 0.5 mg टेबलेट को लिया जाता है खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, और इसको रेगुलर बेस पे लिया जाता है जब तक बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट आपको न मिले और डॉक्टर आपको बंद करने को ना बोले तब तक लिया जाता है। तो ये केवल ट्रीटमेंट करती है गोट का, ये ट्रीटमेंट करती है क्योंकि गोट एक डिसीज है जिसके अंदर आपको स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, पेन होता है, तो ये एक डिसीज रहता है गोट, तो उसमें ये ट्रीटमेंट करती है। तो गोट क्या रहता है कि जो आर्टरीज में होता है और एक्सेसिव यूरिक एसिड बन जाता है जिसके कारण ब्लड स्पैम हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि आपको पेन होता है, आपको इंफ्लामेशन होता है और आपकी जॉइंट में पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो आपको नोजिया हो सकता है, उल्टी आ सकता है, एबनॉर्मल पेन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। तो इसको कैसे यूज़ करने का, कि इसका डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से यूज़ करने का, इसको पूरा लेने का, तोड़ के वगैरह नहीं लेने का, और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेने का, और इसका डोज फिक्स रखने का ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। तो गॉटनिल 0.5 mg टेबलेट जो कि क्या करता है कि दर्द को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और सिम्टम जो गोट का सिम्टम रहता है उसको कम करता है। तो इस टेबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।